वाणिज्य दूतावास बीरगंज द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतपुर महानगर पालिका की मेयर श्रीमती रेणु दहल जी हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय महावाणिज्य दूतावास यह कार्यक्रम नेपाल भारत मैत्री संघ चितवन और उद्योग वाणिज्य संघ चितवन के सहयोग से कर रहा है। भरतपुर महानगर पालिका, पतंजलि योग समिति चितवन और आर्ट ऑफ लिविंग चितवन ने भी इस योग दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भरपूर सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं, जो कि यूनिलीवर नेपाल लिमिटेड, नेपाल मेडिसिटी वयोधा, डाबर नेपाल और पार्ले जी ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके अलावा भारतीय महावाणिज्य दूतावास श्री नारायण प्रसाद अधिकारी, जिला समन्वय समिति प्रमुख श्री सुरेंद्र पौडेल, प्रमुख जिला अधिकारी, सुरक्षा निकाय के अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए पत्रकार गण, भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर फंड चितवन सैनिक बोर्ड से पूर्व अध्यक्ष ब्रह्म कुमारी से आए हुए बहनें और भाई, विद्यालयों से आए हुए बच्चे, रोटरी क्लब, लायंस क्लब के सदस्य, अन्य आमंत्रित अतिथि और योग सत्र में सहभागी बनने वाले अन्य सभी लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। योग की विश्वव्यापी अपील को स्वीकारते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त महासभा के इस प्रस्ताव को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पेश किया और इसे रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों द्वारा समर्थित किया गया। इस तरह के किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के लिए इसके सह प्रायोजकों की संख्या सबसे अधिक थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के अभ्यास के अपार लाभों के बारे में दुनिया में जागरूकता बढ़ाना है। अपनी संपूर्णता में योग दिवस के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं को छूता है और इस प्रकार यह हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राचीन मूल्यवान उपहार इस भूमि में ही उत्पन्न हुआ है और आज भी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे पहले 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम रखा गया है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इसका पूरा मतलब है समूचा विश्व एक परिवार है। आज योग दिवस के मौके पर भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को पूरी दुनिया में ले जाया जा रहा है। इस मौके पर भारत की योग परंपरा की एकीकरण शक्ति का भी प्रदर्शन होगा। हमने जो यहाँ पर बैनर लगाए हैं, जिसमें G20, SCO काउंसिल ऑफ स्टेट्स 2023 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का भी लोगों का विशेष रूप से दिखाया गया है। भारत 1 दिसंबर 2022 को 22 से G20 की अध्यक्षता संभाल चुका है। इस सफर में भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी समूचा विश्व एक परिवार है के बुनियादी नज़रिए के साथ आगे बढ़ रहा है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य का आदर्श वाक्य इसे बेहतरीन रूप से दर्शाता है। इस वर्ष योग दिवस का थीम भी है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। भारत संघाई सहयोग संगठन
शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी 4 जुलाई 2023 को करने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी करेंगे। एससीओ का भी थीम है सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित कराने के लिए अहम भूमिका भी निभाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने के साथ साथ भारत को मिलेट्स के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अपना दृष्टिकोण भी साझा किया। और अंत में हम योग व्यायाम के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फायदे हैं, उसके बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले योग व्यायाम करने से मन की शांति मिलती है, ये ऊर्जा में वृद्धि होती है, तनाव युक्त जीवन, रोग मुक्त शरीर और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, वजन पर भी काबू किया जाता है और संबंधों में सुधार किया जाता है, बेहतर अंतर्ज्ञान और अधिक सजगता संग जीना है। और इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।